हेलो एवरीवन वेलकम टू वेलकम दोस्तों यूपीआई आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट मेथड है और हमारा जो डेली स्पेंड है उसमें से एक मेजर परसेंटेज यूपीआई पेमेंट से ही होता है और आज हम लोग रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई में लिंक करके मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं और इंडिया में लगभग सारे मर्चेंट यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीआई पेमेंट कौन से रुपए क्रेडिट कार्ड को यूज करके करने से हमारा फायदा होगा मतलब बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर रुपए यूपीआई पेमेंट तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड मैं खुद यूज करता हूं ऐसे पेमेंट के लिए बेस्ट रूपे क्रेडिट कार्ड फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो पहले लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं नंबर वन यस बैंक रूपे यूपीआई क्रेडिट कार्ड ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास यस yes बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके साथ आप ये कार्ड ले सकते हो तो इसका एनुअल फीस जीरो है कार्ड का रिवॉर्ड टाइप है रिवॉर्ड पॉइंट

तो आपको जो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट है फाइव थाउजेंड वो मिल जाएगा नंबर टू एक्सिस बैंक रूपे यूपीआई क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस जीरो कार्ड का रिवॉर्ड टाइप कैशबैक वन परसेंटेज का कैशबैक आपको मिल जाता है मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है इस कार्ड में कैशबैक अर्न करने के लिए और कोई भी कैपिंग नहीं है तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड है पर ये कार्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है सबको ये कार्ड नहीं मिलता ये एक फिनटेक कंपनी है एक्सिस बैंक के साथ टाइप करके क्रेडिट कार्ड देते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नेक्स्ट कैटेगरी है एंट्री लेवल कार्ड कैटेगरी जिसका फीस होता है अपटू वन थाउजेंड रुपीज का इस कैटेगरी में आता है कोटक मिंत्रा रूपे क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस फाइव प्लस जीएसटी कार्ड का टाइप कैशबैक आपको 1.25 परसेंटेज का कैशबैक मिल जाएगा और मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू आपका होना चाहिए 2001 रुपीस का पार्ट ट्रांजेक्शन तब जाके आपको कैशबैक मिलेगा कोई भी कैपिंग इसमें नहीं है नेक्स्ट है एच डी एफ सी टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस फोर प्लस जीएसटी कैशबैक आपको मिल जाता है नियो कॉइन के तौर पर टेज का रिवॉर्ड रेट आपको देखने को मिल जाता है और नियो कॉइन इक्वल टू वन रुपीज मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू का कोई भी कैपिंग इस कार्ड पे नहीं है मतलब कुछ भी आप स्पेंड करो आपको कैशबैक मिल जाएगा और कैपिंग है इस कार्ड में एक 500 नियो कॉइन स्टेटमेंट साइकिल आपको मैक्सिमम मिल सकता है मतलब आप अगर इस कार्ड को यूज करके 50,000 एक स्टेटमेंट साइकिल में स्पेंड करते हो तो आपको मैक्सिमम 500 हंड्रेड न्यो क्वन मिल जाएगा नेक्स्ट है बी ओबी स्नैपडील क्रेडिट कार्ड इसका फीस है टू फोर नाइन प्लस जीएसटी कैशबैक आपको रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पे मिल जाता है जो रिवॉर्ड पॉइंट मंथ के एंड में कैशबैक के तौर पे आपके कार्ड पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है फोर रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाता है एवरी हंड्रेड रुपीज स्पेंड करने पे वन रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू फाइव पैसा मतलब रिवॉर्ड रेट वन परसेंटेज का मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू का कोई भी कैपिंग नहीं है और एक महीने में मैक्सिमम आप फाइव हंड्रेड रिवार्ड पॉइंट यूपीआई ट्रांजैक्शन से अर्न कर सकते हो मतलब एक स्टेटमेंट साइकिल में अगर आप ट्वेल्व पॉइंट फाइव थाउजेंड रुपीज स्पेंड करते हो तो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट फाइव हंड्रेड आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं मिड रेंज क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसका फीस है एच डी एफ सी बैंक जीएसटी कार्ड के, का के रिवर्ड टाइप के बारे में बात करें तो कैशबैक आपको मिल जाता है नियो कॉइन के तौर पर 1.5 परसेंटेज का कैशबैक मिलता है मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू का कोई भी कैपिंग नहीं है मैक्सिमम एक स्टेटमेंट साइकिल में फाइव हंड्रेड न्यो क्वन आपको मिल सकता है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्टेटमेंट साइकिल में थर्टी थ्री पॉइंट फोर थाउजेंड रुपीज का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको मैक्सिमम 500 हंड्रेड न्यो कॉइन मिल जाता है तो दोस्तों आपने बेस्ट यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड का लिस्ट देख लिया है तो आपको यहां से आपके लिए जो बेस्ट कार्ड होगा वो सिलेक्ट करना होगा आपके जो रिक्वायरमेंट है आपके जो स्पेंडिंग पैटर्न है उसके हिसाब से आपको बेस्ट यूपीआई क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना होगा मेरे ओपिनियन में जो कार्ड टू थाउजेंड रुपीज के नीचे स्पेंड पे रिवॉर्ड नहीं देता वो कार्ड को आपको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि हमारा जो डेली स्पेंड होता है ना वो लगभग छोटा स्पेंड ही होता है जो कि हम लोग यूपीआई से करते हैं मतलब टू थाउजेंड रुपीज के ऊपर अगर स्पेंड होगा तो वो स्पेंड हम जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है वो यूज करके भी कर सकते हैं और अगर हम लोग टू थाउजेंड रुपीज के ऊपर रुपए यूपीआई यूज करके पेमेंट करते हैं कोई भी मर्चेंट को तो मर्चेंट को एम भी देना पड़ता है तो मर्चेंट खुद ही आपको बोलेगा कि रुपीस के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन है तो आप कोई दूसरा पेमेंट मेथड यूज कर लो और यह सही भी है कि टू थाउजेंड के ऊपर अगर पेमेंट है तो आप क्रेडिट कार्ड ही यूज कर लो उससे आपको बेटर फायदा हो सकता है यह जो प्रॉब्लम है यह एक मेजर प्रॉब्लम है रूपे यूपीआई क्रेडिट कार्ड जो सिस्टम है इसका इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा इसको आप डिटेल में देख सकते हो तो मेरे ओपिनियन में जो कार्ड टू थाउजेंड रुपीज के नीचे आपको रिवॉर्ड देता है वो कार्ड के लिए आपको जाना चाहिए मैं खुद एच डी एफ सी बैंक टाटा नियो रूपे इन्फिनेटी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ मेरा जो डेली छोटे मोटे स्पेंड है यूपीआई का उसके लिए और मैं सबको ये कार्ड रिकमेंड भी करता हूँ क्योंकि इसका जो कैपिंग है वो डिसेंट है थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज के आसपास का स्पेंड अप कर सकते हो मैक्सिमम जो फाइव हंड्रेड कॉइन का कैपिंग है उसको पाने के लिए और मेरे ओपिनियन में ये जो आ, कैपिंग है वो भी डिसेंट है और जो अमाउंट है वो भी एक नॉर्मल आदमी उन, उनके जो मतलब मंथली जो रिक्वायरमेंट होते हैं डेली बेसिस पे उसके लिए इतना हो मैं खुद यह कार्ड यूज करता हूं और इसको अगर आपको, करना है, पे आपको मिल जाएगा। वहां से जाके इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखे क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग के लिए लाता रहूंगा तब तक के लिए जय हिंद